तो आईपीएल 24 का जो मिनी ऑक्शन है उसके लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कई टीम अभी जो कि ट्रेड कर रही है, एक टीम से दूसरे टीम में कई खिलाड़ी जा रहे हैं। इसके अलावा रिलीज खिलाड़ियों के लेकर लिस्ट निकल के आ रहा है। इसके अलावा रिटेन खिलाड़ियों के लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रहा है। बता दें कि रिटेन खिलाड़ियों के लेकर अब ऐसे में एक बड़ी टीम चेन्नई सुपर किंग्स से भी बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन किया है। तो इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्या MS धोनी, क्या ऋतुराज गायकवाड़, यह सभी खिलाड़ी रिटेन हुए हैं या फिर रिलीज हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि CSK से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें हम लाते रहते हैं। तो बात करें IPL 24 के लिए जो मिनी ऑक्शन होने वाला है वह कुछ अब बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में अब सभी टीम अपना रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने वाली है और रिटेन खिलाड़ियों का भी लिस्ट जारी होगी। तो आज हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग का कि कौन कौन से रिलीज होने वाले हैं और कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे, ही स्पेशली कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे, क्योंकि रिटेन खिलाड़ी ही IPL 24 में फिर से CSK से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो बात करें जो सबसे बड़ा खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रिटेन होने वाला है वह कोई और नहीं है, कप्तान MS धोनी है। MS धोनी हमेशा से CSK का जो कि स्तंभ रहे हैं, चाहे उनका उम्र बढ़ गया है लेकिन आज भी चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी है वह है MS धोनी। इसलिए चेन्नई सुपर किंग फिर से रिटेन करने वाली है MS धोनी को। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का नंबर आता है जो कि आने वाले फ्यूचर कप्तान बताया जाता है चेन्नई सुपर किंग के। फिर सुभाषु सेनापति जो कि युवा खिलाड़ी है और चेन्नई सुपर किंग मौका देने वाली है क्योंकि यह मेगा ऑक्शन नहीं है, मिनी ऑक्शन है तो चलता है। फिर हमें नजर आएंगे मोइन अली को भी रिटर्न करने वाली है। ऐसी बड़ी अपडेट है जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाला है क्योंकि इनका उम्र ठीक ठाक हो चुका है, फिर भी रिटर्न करेगी चेन्नई सुपर किंग। इसके बाद नजर आएंगे राजविंद्र हेंगकेड़े, फिर डैन कॉनवे, सुयोन दुबे, मिचेल सेंटनर, तुषार देश पांडे, रविंद्र जडेजा, मुकेश चौधरी, दीपक चाहर, मतीश पतिराना, प्रशांत सोलंकी, महेश तीक्षणा, निशांत संधु, अजिंक्य रहाणे, अजय मंडल, भगत वर्मा। तो यह कुछ खिलाड़ी है चेन्नई सुपर किंग जिन्हें रिटेन करने वाली है। तो हम बता दें कि इनमें से जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है और उसे रिटेन की गई है वह है MS धोनी। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, भले ही उन्हें टीम इंडिया मौका नहीं मिल रहा है लेकिन यह दुख समझती है चेन्नई सुपर किंग और चेन्नई सुपर किंग का फुल सपोर्ट है अजिंक्य रहाणे के साथ, इसीलिए बैक करने वाली है अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग। स्पेशली अंबाती रायडू के जाने के बाद से अजिंक्य रहाणे का जो वैल्यू है चेन्नई सुपर किंग में और ज़्यादा बढ़ चुकी है। या दोस्तों बता दें कि चेन्नई सुपर किंग से अब नहीं खेलते हुए नजर आने वाले हैं अंबाती रायडू, क्योंकि अंबाती रायडू ले चुके हैं संन्यास और इस वजह से अंबाती रायडू को रिलीज कर देगी। इसके अलावा पहले भी आप खबर देख चुके हैं कि बेन स्टोक्स ऑलरेडी अपना नाम वापस ले लिए IPL 24 से, यानी कि पूरा न्यूज है कि बेन स्टोक्स को रिलीज करने वाली है चेन्नई सुपर किंग। तो बेहद ही बड़े बड़े खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग से रिलीज भी होने वाले हैं तो कई बड़े बड़े खिलाड़ी रिटेन भी होने वाले हैं। तो आपको इन रिटेन खिलाड़ी को लिस्ट देखकर आपको क्या लगता है, क्या यह खिलाड़ी परफेक्ट है IPL 24 के लिए चेन्नई सुपर किंग के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग का फैन है तो यह वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का लाइक के एम रखते हैं मात्र 500 लाइक, तो लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।